हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। अज असीं तुहाडे नाल एक सवाल होर डिस्कस करांगे। यह सवाल आ जिहड़ा भाषा विज्ञान दे विचों आ। सानूं भाषा विज्ञान दीआं किताबां दा सही क्रम लाउणा, उह कदों छपीआं ते प्रकाशित पुस्तकां दा। ते चलो, ये सवाल पेपर दे विच पै जांदे ने, पर यह सवाल का कोई मतलब नहीं हैगा कि सानूं भाषा विज्ञान उत्ते सवाल पाया जाए, व्याकरण उत्ते पाया जाए। हुण किताब कि कदों छपी ये बारे हुण सानूं कुछ नहीं पता। चलो फिर भी उन्होंने इदा दे सवाल सैट करने हुंदे ने कि उन्होंने ये वेखना होंदा कि बंदा स्मार्ट किन्ना। चलो आपां इहनूं हल करदे आ। ये सवाल हल करन दे लई सानूं सब तो पहला ये पता होना चाहिदा कि जिहड़े ये विद्वान ने, भाषा विज्ञानी ने, इन्हां दी आपस दे विच ना सीकुएंस की आ कि प्रेम प्रकाश तो पहला किने काम किया, बुट्टा सिंह बराड़ ने कदों काम किया, हरकीरत सिंह ने कदों काम किया, आत्म सिंह ने कदों किया। जे सानूं ये नहीं पता ना, फिर असीं उत्तर नहीं ला सकते। हुण सानूं सन याद करन दी लोड़ नहीं, असीं इन्हां दे विचों ही वेखणा कि इन्हां दी आपस दे सीकुएंस की आ कि पहला कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। जे सानूं ये समझ नहीं हैगी, फिर ये सवाल नहीं होना। तुहानूं ये याद करन दी लोड़ नहीं। जे हुण तुसीं ये याद करन लग गए, जे इदां दे सवाल आउण लग गए कि आगलियां पेपर की तैयारी करने के लिए तुम सन याद करना, कि वो याद करने की कोई लोड़ नहीं। तुम सिर्फ की करना, कोई भी विधा दे विधा की आलोचना पढ़ते हो, चाहे नाटक आ, चाहे नावल आ, चाहे कहानी आ, चाहे भाषा विज्ञान विज्ञान बारे पढ़ रहे हो, तुम कोई भी विधा हो सकती है। जां तुसीं किसी इतिहास पढ़ रहे हो, नावल का इतिहास, कहानी का इतिहास, तो कोशिश कराया करो कि उसकी पहली किताब कि मान लो सुजान सिंह आ जां कुलवंत सिंह विरक आ, कुलवंत सिंह विरक की पहला कहानी संग्रह कि लास्ट वाला कहानी संग्रह कि एक विचारे याद कर लो सेंटर के, है ना। इदा अपने माइंड के बिठा लिया करो कि हाँ पहला कहानी संग्रह यह सी, लास्ट के जो अखीर वाला कहानी संग्रह वो ये आ। ये चीज़ा हैल्प कर दें, थोड़ू ईर याद करने की लड़ नहीं, थोड़ू रट्टे लाने की लड़ नहीं, ये अपने आप ही दिमाग तुहाडा काम कर लग जाए। हुण जे सानूं इह नहीं पता कि इहनां विचों पहला किहदा काम आ, है ना, दूजे नंबर ते किहदा, तीजे नंबर ते किहदा, फिर औखा सवाल आ। इह तुहानूं पढ़ना पऊगा कि हाँ जे तुसीं भाषा विज्ञान पढ़ रहे हो तां तुहानूं पता होना चाहीदा कि पहला काम किहदा, दूजा किहदा, तीजा किहदा। चलो हुण आपां करदे हां, सानूं बुट्टा सिंह बराड़ बारे पता, सानूं पता होऊगा, तुसीं किताब पढ़ी होणी बुट्टा सिंह बराड़ दी। बुट्टा सिंह बराड़ दा इहनां विद्वानां दे विचों बाद चो काम होया, उन्होंने अपना जो काम बाद चो किया, जिन्हें भी विद्वान ने, आत्म सिंह, हरकीरत सिंह, दुनी चंद्र, प्रेम प्रकाश, उन्होंने बाद के विद्वान ने। हुण चलो देखते हैं कि साढ़े को सी ऑप्शन कितने आ, अखीर देखना सी 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 इतने पई आ, ये साड़ी ऑप्शन ठीक हो गई। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सामने ये वेखना सी कि भाई इन्होंने कि विद्वान अखीर काम कर देना। असं इन्हों की सीनियोरिटी वाइज वेखिया कि सब तो पहला कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। हुण असीं की कीता, सानूं इह नहीं पता ही पहला कौन आया, असीं इह वेख लई अखीर दे विच कौन आ, अखीर दे विच हरकीरत सिंह दा, ओ सॉरी बुट्टा सिंह बराड़ दा, ते सी ऑप्शन साडी लास्ट दे विच पई आ, उत्तर आ गया। ठीक है जी। हुण जे तुहानूं पता दुनी चंद्र, दुनी चंद्र दा पता, ठीक है जी, हुण दुनी चंद्र आ पई आ बी ऑप्शन, दुनी चंद्र सब तो पहला काम आ, उस तो बाद फिर अगले विद्वाना वा, बी ऑप्शन पहली पई आ। जे आप सीकुएंस लाइए ना, आ बी पई आ, फिर डी पई आ, फिर ए पिया, फिर ई पिया, फिर सी पिया। ठीक है जी। तुसीं हुण मान के चलो बुट्टा सिंह बराड़ आ, बुट्टा सिंह बराड़ इत्थे इन्हां ने की करिया, पहला पाता कि तो पहला पाता डी तो, ये भी गलत हो गई। इत्थे बुट्टा सिंह बराड़ कित्थे पाता सी, जी पहला काम उहदा, ये भी ऑप्शन कट्टी गई। तुसीं कोई भी एक मान लो जे तुहानूं पता, ठीक है जी, तुसीं दुनी चंद्र नहीं मान सकते हो कि दुनी चंद्र सब तो पहला काम आ, ठीक है, एक तुहानूं मन के चलना पैणा। जे तुसीं एक मान लिया तुहाडा सवाल आ जिहड़ा अपने आप ही हल हो जूगा। ठीक है जी। इदां दे सवाल इस अप्रोच नाल करे जांदे ने, ते ध्यान रख्या करो। ते जे तुसीं तैयारी करदे हो किसी नैट दी, तां इदां दे सवाल हल कर लई साडी इह अप्रोच होणी चाहीदी आ। सानूं आलोचकां दा ते उन्हां दा काम किने पहला कीता, किने बाद विच कीता, इहदे बारे वी सानूं ज्ञान होना बहुत जरूरी आ, तां करके सवाल हुंदे ने। इह सवाल सानूं साडी नॉलेज दे नाल नाल ना सानूं इह वी वेखदे ने कि तुसीं किन्ने क स्मार्ट हो।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।